खान के भाई अरबाज खान को ठाणे क्राइम ब्रांच ने समन सौंपा है। उन पर आईपीएल मैच के दौरान हो रही सट्टेबाजी में जिस बुक्की को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसने पूछताछ में अरबाज का नाम लिया। उसी से संबंध के शक में पुलिस ने अरबाज को पूछताछ के लिए समन भेजा है। सूत्रों के मुताबिक अरबाज से 2,80,00,000 रुपए सट्टेबाजी में हार गए थे लेकिन वापस नहीं दे पाए। इसे लेकर सोनू जालान ने अरबाज खान को धमकी भी दी थी, तो ये बात सोनू जालान ने खुद पुलिस को बताई है। इसी संबंध में पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि 16 मई को ठाणे की एंटी एक्सटोशन सेल ने मुंबई में एक जगह छापेमारी की थी जहां पर आईपीएल मैच को लेकर सट्टेबाजी चल रही थी। इसमें सटोरियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा भी 2 लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक सोनू जालान है जिसने पूछताछ में अरबाज खान का नाम लिया है। खान का और सोनू जालान का कुछ कनेक्शन मिला है हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने अरबाज खान को समन्स भेजा है, तो कल का टाइम दिया है उनको आने के लिए। अभी ऐसी कोई जानकारी मिली जो हम लोग वेरीफाई करना चाहते हैं अरबाज खान से, उसके बाद ही हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। तो बेट एंड टेक जो वेबसाइट है उसका ये ओनर है। करीब 3,500-4,000 इसके पास पंटर्स हैं, हजारों करोड़ का